ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आत्महत्या करने वाले क्या प्रेत योनि में जाते हैं? सबसे पहली बात, मृत्यु, आत्महत्या मृत्यु का एक कारण है। चाहे एक्सीडेंट हो, चाहे बीमारी हो, कुछ भी ना हो, खड़ा खड़ा चला जाए, बैठा बैठा चला जाए, मृत्यु निश्चित एक्यूरेट टाइम पर होती है। मृत्यु क्या है? आत्मा का शरीर से अलग होना। वो एक सेकंड पहले अलग नहीं हो सकती, एक सेकंड लेट नहीं हो सकती। आत्महत्या करने वाला समझता है कि बस मैं एक सेकंड में मर जाऊंगा और उसके बाद कुछ भी नहीं। मरने के बाद किसने देखा क्या होता है? परंतु मैंने बहुत सारे देखे जिन्होंने एक बार नहीं कई बार आत्महत्या करने के अटेम्प्ट किया परंतु सफल नहीं हुए, नहीं हुए। पूरे के पूरे सुरक्षित बच गए, कईयों ने अटेम्प्ट किया, कम थोड़ा ज्यादा आधा पौना नुकसान हुआ परंतु बच गए। ट्रेन के आगे कूदे, कोई अंग खराब हो गया, कट गया, जहर पी लिया, कोई अंग खराब हो गया, उसके बाद बच गया। पैसे बहुत खर्च हो गए, कोमा में पड़ा रहा और कई महीनों सालों बाद जाके शरीर छोड़ा। एक नर्स का भी ऐसे ही था, कितने साल बाद उसका शरीर छूटा, कोमा में पड़ी रही। उसके साथ बलात्कार किया था, अन्याय हुआ था, परंतु कोमा में गई और कितने समय तक पड़ी रही। एक्सीडेंट हुआ हमारे सामने, हमारे देश के एयर सेना के अध्यक्ष, और उनकी एट द स्पॉट डेथ हो गई, परंतु जो एक बचा वो 10-15 दिन बाद, कुछ समय बाद शरीर को छोड़ा। जरूरी नहीं है कोई भी आत्मा एक सेकंड पहले और एक सेकंड लेट नहीं हो सकता। ये लाइन याद रखें। इसमें दोष देते रहते हैं, मेरा कसूर है, उसका कसूर है, किसी का भी कसूर नहीं है, सभी निर्दोष हैं। ये बात हमें समझ में आ गई होगी कि मृत्यु निश्चित एक्यूरेट टाइम पर होती है, आत्मा शरीर से अलग पहले नहीं हो सकता। दूसरी बात, प्रेत कोई योनि नहीं है। प्रेत कोई योनि नहीं है। प्रेत या भूत, इसे सूक्ष्म शरीर लेना कहते हैं। आत्मा ने यहां से शरीर छोड़ा, चाहे किसी भी कारण से छोड़ा हो, उसने जाकर अपना दूसरा गर्भ में शरीर ले लेना है, बनाना है। अब चाहे वो शरीर में गर्भ में अपना शरीर बना रही है, चाहे उसने जन्म ले लिया है, जब भी चाहे
वो अपने शरीर को रेस्ट में रखकर शरीर से अलग होकर किसी अन्य आत्मा को दिखाई देती है। ये दिखाई देना उस आत्मा के सूक्ष्म शरीर का शरीर के द्वारा आना है। अब 5, 10, 20, 100 जितने भी लोग बैठे हों, वो आत्मा केवल उसे दिखाई देगी जिसके साथ उसका कार्मिक अकाउंट है, बाकियों को नहीं। अब आप उसे पकड़ना चाहें पकड़ नहीं सकते, देख रहे हो पर तू पकड़ नहीं सकते क्योंकि शरीर नहीं है उसके। वो आत्मा आई है सूक्ष्म शरीर में दिखाई दे रही है, यहां तक कॉमन है। अब वो आत्मा दिखाई दे रही है, वो सुख भी दे सकती है, वो दुख भी दे सकती है, यहां तक तो कॉमन थी बात। अब यदि हमारा उसके साथ कोई दुख का हिसाब बाकी है तो वो दुख देगी, सुख का हिसाब बाकी है तो सुख देगी, और कोई हिसाब नहीं है, सिर्फ दिखाई देना है ये भी हिसाब है, वरना क्यों दिखाई दे। जितना हिसाब है जैसा हिसाब है वो अपना हिसाब बराबर करने आई है, हिसाब बराबर करेगी और चली। कोई दुनिया की ताकत तो क्या परमात्मा भी उसे नहीं रोक सकते यदि उसका कार्मिक अकाउंट है और उसने आना है। जो ये कहते हैं कि हम अपने मंत्रों से अपने सिद्धि से अपनी शक्ति से किसी आत्मा को रोने से रो और आने से रोक सकते हैं, ये उनकी भूल है, ये उनकी भूल है। परमात्मा जब नहीं रोक सकता तो दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं रोक सकती। परंतु किसी को हमारे पैसे देने के बाद, किसी के झाड़ फूंक करने के बाद वो रुक जाती है, फिर इसका क्या कारण है? कार्मिक अकाउंट। उस व्यक्ति को आप पैसे देंगे, उसके साथ आपका हिसाब बराबर होगा तो आना बंद कर दे, और यदि अभी हिसाब किताब बराबर नहीं हुआ है तो आती रहेगी 2 बार 3 बार 4 बार और ज्यादा। जब आपका उसके साथ पैसे लेने देने का हिसाब बराबर होगा तो उसके बाद वो रुक भी सकती है, नहीं भी रुक सकती। अब आपने किसी और का देना है, इससे विश्वास खत्म हो गया, आप दूसरे को पैसा देना शुरू करेंगे, तीसरे को देना शुरू करेंगे, अनेक प्रकार के धक्के खाएंगे। कार्मिक अकाउंट जब आपका बराबर हो जाएगा तो आपकी वो छोटी सी बात या कोई और कारण बन जाएगा। जब हिसाब बराबर हो जाएगा तब समझा, सुख व दुख का हिसाब बराबर होने के बाद ही आत्मा आना बंद करती है। बाकी प्रेत कोई योनि नहीं होती, वो उस शरीर में दिखाई देती है जिस शरीर में वो यहां था। और अच्छी तरह से समझना हो, एक बात और रह गई कि योनि में जाती है मनुष्य योनि। हर मनुष्य आत्मा मनुष्य ही बनती है, कभी किसी और योनि में नहीं जाती। प्रेत योनि तो होती नहीं, पर तो कुत्ता बिल्ला गधा घोड़ा सांप बिच्छू टिंडन कुछ भी वो नहीं बनती। हर जन्म में मनुष्य आत्मा मनुष्य ही बनती है। 84 लाख जन्म नहीं होते, 84 जन्म होते हैं। इस पर वीडियो बना हुआ है, क्या मनुष्य 84 लाख योनियों में जाता है वो आप देख सकेंगे, नहीं जाता। हर जन्म में इंसान बनते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो भी 3000 वीडियोस के साथ अवेलेबल है,
आप उसे देखकर समझ सकते हैं कि हम क्या बनते हैं। और अच्छी तरह समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर टेलीग्राम करें, और यदि व्हाट्सएप करते हैं तो 9650692270 पर कॉन्टैक्ट करें। और फोन है ओम शांति।